जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कर्नाटक में मुसलमानों ने बगावत कर दिया है, मुसलमान एक जंग छेड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों का कहना है कि अब हम कांग्रेस के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो उन लोगों का जूते में पॉलिश नहीं करेंगे, अब हम किसी के लिए इस तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कर्नाटक में जिस तरह से भागीदारी रही है उस तरह से हमारी हिस्सेदारी भी रहनी चाहिए। दोस्तों पूरी कहानी क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों पूरी कहानी क्या है, वहाँ पे मुसलमानों ने जिस तरह से अपना वोट दिया, अपना भागीदारी दिया, जिस तरह से 15 मुसलमानों को वहाँ पे टिकट दिया गया और 15 मुसलमानों में से 10 ऐसे मुसलमान हैं जो जीत करके सामने में आए हैं, इसी को लेकर के वहाँ के मुसलमानों ने ये बात बहुत बात कह दी है। उसका कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों का भागीदारी रहा है उस तरह से यहाँ पर हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का सिर्फ भागीदारी ही रहता है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं पर भी हो, सिर्फ वहाँ पर मुसलमानों का भागीदारी ही रहता है, उसका हिस्सेदारी कुछ नहीं रहता है। जिस तरह से आरजेडी जेडीयू बिहार में काम करती है, जिस तरह से मुसलमान इसको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से अपना भागीदारी निभाते हैं, उस तरह से मुसलमानों को यहां पे हिस्सेदारी नहीं मिलती है। अगर कर्नाटक में मुसलमानों को हिस्सेदारी दे दी गई तो बिहार जैसे राज्यों में भी इस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यहां पे केजरीवाल से भी लोग अपना हिस्सेदारी की मांग करेंगे, यहां पे मायावती से भी लोग मुसलमान अपने हिस्सेदारी की मांग करेंगे। इसी को लेकर के ये नेता अभी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कर्नाटक के जो मुसलमान हैं, 15 में से 10 मुसलमान जो जीत करके आए हैं, उसका यह भी कहना है कि अगर मुसलमानों को ज्यादा करके सीट दिया जाता, ज्यादा करके टिकट दिया जाता, तो ज्यादा तादाद में मुसलमान जीत करके आती और फतह हासिल करती। लेकिन दोस्तों वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सफी साद का कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों का कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से भागीदारी रहा है, उस तरह से हमें हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए, क्योंकि जहां पर भागीदारी होती है वहां पर हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। सफी साद का कहना है कि हमें उप मुख्यमंत्री का सीट दिया जाए और 5 बड़े मंत्रालय का भी सीट दिया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे वो एजुकेशन मंत्रालय हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो। दोस्तों सफी साद के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया में ये दावा करते हैं कि सफी साद जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उसको बीजेपी ने अपॉइंट किया है, बीजेपी ने उसको बैठाया है, बीजेपी ने इसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। ये सफी साद जो है वो बीजेपी के बहुत बड़े एजेंट हैं, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, और जो कांग्रेस का जो जिस तरह से सरकार बनने जा रही है कर्नाटक में, ये उसको तोड़ने में लगे हुए हैं और लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि हर पार्टी में गेरवाटोला होता है। अगर कांग्रेस से गेरवाटोला निकल करके बीजेपी में सपोर्ट दे दिया तो फिर कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, इसीलिए सफी साद ऐसे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि सफी साद जो हैं जो इस बात को कहते हैं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भागीदारी रही है उस तरह से हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। तो इस सफी साद के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, यहाँ पे सरकार को तोड़ने की बात की, सरकार नहीं बनने देने की एक साजिश रची जा रही है। लेकिन दोस्तों कर्नाटक के इलेक्शन में और इस कहानी में आपका क्या राय है, सफी साद के बारे में आपका क्या राय है और मुसलमानों का हिस्सेदारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। और मैं हूँ फैज़ान, आप देख रहे हैं सच के साथ।